चलती है, जमीनी हकीकत मालूम चलती है। सिंधिया का कुछ बयान सामने आ रहा है, क्या कहते हैं? कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। अब मैंने आपको सदैव कहा, मैं ज्योतिष नहीं, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह दो दिन से आपका अटैक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, वोटिंग नहीं होगी, उनके हरेक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहां पे एनके सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोदी जी का नाम लिया, डबल इंजन की सरकार का नाम लिया, प्रशासन अच्छा रहा, सब कुछ कहा, शिवराज का नाम शायद लेना भूल गए, लिया नहीं, लाडली बहना के सवाल पर भी बहुत कुछ खुलकर बोले नहीं। नेचुरली वो एक अजीब सा होता है, और ये हम लोग ये समझते हैं पॉलिटिशियंस की उसके नुआंसेस जो हैं, जो वो बोल रहे हैं उसके बाकी लोग नहीं समझ रहे, लेकिन सभी समझ जाते हैं कि आपने जो मेन चीज थी लाडली बहना, उसको छोड़ के आपने भी वही किया। और ये यही का नहीं है, किसी भी राज्य में आप जाएंगी, किसी भी बीजेपी के नेता से पूछेंगी, तो पहला वो जो सेंटेंस कहेगा वही होगा, साहब ये मोदी जी का कमाल है जिसकी वजह से हो रहा है। वो लोकल लीडरशिप को ये देखता है कि हवा कैसी है, जैसे यूपी में ये नहीं होगा क्योंकि यूपी में योगी का अपना एक रोल है, लेकिन इन राज्यों में आप देखें तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और अगर चीफ मिनिस्टर आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो हाई कमान की इच्छा क्या है, ये समझ में आ जाती है, लिहाजा उसी हिसाब से बयान निकलते हैं। तो राजस्थान में भी मनोज जी कुछ सरप्राइज नाम निकलकर आ सकते हैं, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी जो है वो अग्रसर हो चुकी है, तो यहाँ पर राजस्थान में भी कुछ आपको लगता है कि अगर यही रुझान नतीजे में कन्वर्ट हुए तो वसुंधरा या फिर कोई सरप्राइज नाम बीजेपी देगी? देखिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका फीडबैक तो यही है कि वहाँ कोई सरप्राइज ही आएगा सामने। और अभी देखिएगा कि छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फासला काफी कम हो गया है, और जो नेक टू नेक फाइट है वो ऐसे लगता है कि अभी इस समय छत्तीसगढ़ में है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राकेश शेट्टी साहब भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका